झारखंड की उपराजधानी दुमका के गांधी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें सूबे के सीएम हेमंत सोरेन, झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन, दुमका विधायक बसंत सोरेन और शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन शामिल हुए। कोरोना को देखते हुए पहली बार झामुमो ने दिन में ही कार्यक्रम को आयोजित किया। जिला भर से सीमित संख्या से लोगों को बुलाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी सुप्रीमो ने पार्टी का झंडा फहराकर किया। 42वां झारखंड दिवस धूमधाम से नहीं मनाने का मलाल सबके संबोधन में देखा गया कि सरकार में रहकर कोरोना संक्रमण के कारण धूमधाम से नहीं मनाया जा सका। पार्टी के उपाध्यक्ष नलिन सोरेन ने कहा कि 2020 कोरोना के कारण विकास कार्यों पर बड़ा असर डाला है, लेकिन 2021 में रोजगार के अवसर की दिशा में कार्य किया जा रहा है, विकास को गति देने का भी प्रयास किया जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि 2021 में झारखंड के युवक युवतियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा। हर एक क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दिया जाएगा। सभा को संबोधित करते हुए झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने कहा कि आंदोलन करके झारखंड राज्य लिए हैं, लेकिन समुचित विकास नहीं हो पाया है, इसलिए अधिकारी और नेता को ठिकाने लगाना होगा। मैदान में जो शाम के समय संध्या से शुरू होता था और सुबह तक 41वां झारखंड दिवस पूरे भीड़भाड़ लाखों लाखों के तादाद में इस क्षेत्र के और संतान परिवार प्रमंडल के सभी लोग गुरुजी की बातों को सुनने के लिए आते थे, लेकिन आज का दृश्य जो ऐसा लग रहा है कि दिन में तो ये पहली बार एक बार और हुआ था बीपी सिंह जिसमें प्रधानमंत्री थे उसमें, और ये दूसरी बार वो भी 11 बजे दिन से शुरू हुआ और इसमें कार्य सरकार करता साथी ने अनुशासनिक ढंग से और कोविड-19 को ध्यान रखते हुए क्षेत्र से कम संख्या में लोग और अध्यक्ष सचिव सब मिलजुल के लोगों को लाने का काम किया। 1950-51 के बाद पहली बार जेपीएससी को अपना कानून मिला, अपना नियमावली मिला, जो हमने और आपकी सरकार ने मिलकर बना करके दिया है। अभी महीने भर 15-10 दिन के बाद से धड़ल्ले से यहां पर रोजगार का अवसर लोगों को मिलेगा, नौजवानों को मिलेगा, नियुक्तियां निकलेगी। और इसीलिए हमने कहा ये 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा। हर एक क्षेत्र में रोजगार सृजन करने का संकल्प लेकर के ये 2021 को हम लोग पार करेंगे। अभी हम कानून बनाने जा रहे हैं, यहां पर कोई भी कारखाना लगेगा, सरकारी हो प्राइवेट हो, थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में 75% लोग वहां का स्थानीय लोग होगा, झारखंडी लोग भी उसमें नौकरी करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा।